अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी किया, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील किससे करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने इसमें टाइप्स ऑफ कंडक्शन जो है मेटेलिक है, आयनिक कंडक्शन है, कितने टाइप्स की कंडक्शन है आपने ये देखा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है कि वो पोटेंशियल जब एक इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस में डिप्ट होता है और उस आयंस के ट्रांसफर की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट के हमने मेथड्स देखे और उसके लिए दो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन वाज हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड वन वाज कैलोमल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टडी किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड सेकेंड वन इज गैल्वेनिक वोल्टिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल्स में एक खुद से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। और अब जो हम आज टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये होता है कि आपके पास जिस तरह से हमने गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में देखा कि सेल जो है बेसिकली टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट एक में ऑक्सीडेशन होती है, सेकेंड वन में रिडक्शन होती है, और जो है आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं टू डिफरेंट हाफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो जब अगर हम ये देखें, आपने जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा तो हमने इसमें फिक्स कंसंट्रेशन यूज की थी, दैट वाज वन मोलर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये है कि हमारे पास दोनों कंपार्टमेंट्स में चूंकि दो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं डिफरेंट, और अगर उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली जो उनके आयंस की मूवमेंट है या नंबर ऑफ आयंस जो क्रिएट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जब उसमें जैसे होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाएगी तो उसकी वजह से उसमें आयंस जो हैं वो, जैसे जिंक क्लोराइड है आपके पास, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास आउट करते हैं तो वो जिंक और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर दोनों आयंस की नंबर डिफरेंट है क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है, अगर मैं एक कंपार्टमेंट में टू मोलर सॉल्यूशन यूज कर रही हूँ यानी कि वो कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, और सेकेंड वन में मैं वन मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की यूज कर रही हूँ, सो दैट इज एन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली आयंस के नंबर भी डिफरेंट होंगे और उसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है आयंस की मूवमेंट की, ट्रांसफर जो है आयंस का, वो भी डिफरेंट होगा। सो इसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उस जंक्शन पे जहाँ पे टू सेल्स ज्वाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो इसकी बेसिकली रीजन या कॉजेज क्या है कि क्यों लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास आता है, और इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with one another, a potential difference develops at the junction of two solutions. This potential difference is called Lippert junction potential or diffusion potential. Why we are calling it as a diffusion potential? Because आपके पास जब concentration different होती है तो ions हमेशा high concentration से low concentration की तरफ से move करते हैं, जिस process को हम क्या बोलते हैं, diffusion. और इस diffusion के process की वजह से जो potential generate होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल। सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट क्यों होता है, इसकी रीजन, फर्स्ट रीजन तो बेसिक रीजन यही है कि हम दोनों कंपार्टमेंट्स में जो सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंट है, एक में जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेकेंड में कम है, एक में हम हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, सेकेंड में डाइल्यूट, और इसी वजह से आयंस की जो मूवमेंट होगी, नंबर ऑफ आयंस वो भी डिफरेंट होंगे और उनकी जो स्पीड होगी वो भी डिफरेंट होगी। सो आपने जिस तरह से देखा कि हमारे पास जो गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल होता है उसमें दोनों कंपार्टमेंट्स में रिएक्शन हो रहा होता है, एक में ऑक्सीडेशन और सेकेंड में रिडक्शन, एक में एनोड प्रेजेंट होता है और एक में कैथोड, और दोनों में हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं। और जब आपके पास जैसे हमारे पास हम एक में जिंक क्लोराइड ले रहे हैं, एक में कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, जिंक क्लोराइड की फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसंट्रेशन टू मोलर ली, और जो हमारे पास है सेकेंड कंपार्टमेंट में कॉपर क्लोराइड की मैंने वन मोलर कंसंट्रेशन यूज की, तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयंस कहाँ से मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जिंक क्लोराइड से कॉपर क्लोराइड की तरफ। और जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है
उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है. सो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो आयंस की जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, वेरिएट करेगा. और ऑब्वियसली जो हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा होंगे, इसी वजह से वो जो है कम वो कंपार्टमेंट जिसमें कम आयंस प्रेजेंट है उसकी तरफ मूव करेंगे. सो इसकी वजह से आयंस के नंबर वेरिएट और उनकी स्पीड वेरिएट करने की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा. इस पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से हमें जो है सेल का ओवरऑल पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ता है. किस तरह से कि आप पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन फाइंड आउट करें. और जिस तरह से हमने गलवानी को वोल्टिक सेल में देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था, आप किस तरह से फाइंड आउट कर रहे थे कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल. ओवरऑल जो होता है हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, वैल्यू दोनों की सेम होती है, ऑक्सीडेशन की भी रिडक्शन की. सिर्फ साइंस जो होते हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं, एक के लिए पॉजिटिव और एक के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. और इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकंड वन इज कलोमल मेथड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था उसमें हम आर्बिट्रेरी वैल्यू जीरो दे रहे थे कि हमारे पास जिसके साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे उसका पोटेंशियल इसका तो जीरो ही रहेगा. सो ऑब्वियसली जो हमारे पास वोल्टेज आएगा दैट विल बी ऑफ पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल, सैंपल सेल जिसको हम साथ में ज्वाइन करके जिसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. कैलोमल सेल में आपके पास ये था, हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस यूज कर रहे थे और उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली उसका पोटेंशियल वेरिएट करता था, बट वो भी क्या थी, आर्बिट्रेरी फिक्स्ड वैल्यू जो हमने उसको असाइन की थी. और यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे पास सेल में कि जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमें ओवरऑल EMF फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी. तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये देखा हुआ है कि हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई पोटेशियम क्लोराइड और एगर एगर जेल हम यूज कर लेते हैं. बेसिकली एगर एगर जेल का फंक्शन ये होता है कि वो आयंस की स्पीड को कंट्रोल करता है. और साथ में हम जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में जो यूज करते हैं वो क्या होती है, कोई KCl सॉल्यूशन उसका हो सकता है. और ये ब्रिज किस तरह से होती है, एक पाइप की तरह की, जिससे हमने कैलोमल में देखा कि उसमें आपके पास साइफन ट्यूब होती है और इसकी वजह से आप जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जो होगी आयंस के नंबर को कंट्रोल करेगी, दोनों में वो बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल का प्रॉब्लम जो है वो एंड हो जाएगा. सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्हेन टू सॉल्यूशंस सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद वन अनदर द आयंस फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विल टेंड टू डिफ्यूज इनटू द डाइल्यूट वन. सो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेल में दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, एक में जिंक क्लोराइड है और एक में कॉपर क्लोराइड है. जिंक क्लोराइड की 2 मोलर कंसंट्रेशन हम यूज करें, कॉपर क्लोराइड की 1 मोलर. सो ऑब्वियसली आयंस विल ट्रांसफर फ्रॉम जिंक क्लोराइड कंपार्टमेंट टू कॉपर क्लोराइड कंपार्टमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट एंड द सेकेंड वन इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच आयंस अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड. कि हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से मटेरियल का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना. और वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ आयंस जो है वो भी डिफरेंट है. और अगर हमारे पास जैसे कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें जिंक क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, अगर जिंक की आयंस की स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जिंक का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयंस. सो थर्ड थिंग इज दैट द लिक्विड पोटेंशियल अराइजेज मेनली ड्यू टू अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस द माइग्रेशन एंड वेलोसिटीज ऑफ आयंस. सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइजेज मेनली ड्यू टू अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन. जब नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट है तो स्पीड ऑफ आयंस भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट होगा. इसी वजह से उनकी माइग्रेशन और वेलोसिटीज जो हैं वो भी डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट होने की रीजन यही है, अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस द माइग्रेशन वेलोसिटीज ऑफ आयंस. और इसके लिए हम जो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज लेट इज कंसीडर अ सेल वेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशंस ऑफ HCl एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस. हमारे पास जो सेल है उसमें दो हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रोड हैं, हमने जिसमें दो सॉल्यूशंस हमने लिए हैं किसके, HCl के, जिसमें दोनों की हमने कंसंट्रेशन क्या है वेरी की है. फॉर एग्जाम्पल
सेल वन जो है हमारे पास, उसमें हमने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखा था कि उसमें प्लैटिनियम जो है वो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे पास उस जो आयंस की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर ले रहे हैं तो हमारे पास एक कंपार्टमेंट में A1 है उसकी कंसंट्रेशन, सेकेंड में हमारे पास A2 है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास A1 क्या है, एक्टिविटी कोफिशियंट, दैट इज यूज बेसिकली टू डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और A1 कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है A2 से. देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ऑब्वियसली A1 की अगर हम कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं तो आयंस कहां से ट्रांसफर होंगे, A1 से A2 की तरफ, बिकॉज डिफरेंट आयंस हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, दे टेंड टू डिफ्यूज अक्रॉस द बाउंड्री जंक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि दोनों आयंस की जो है वो नंबर भी वेरिएट कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट है, सो इस वजह से उनका डिफ्यूजन रेट जो है जंक्शन या जो बाउंड्री जहां पर दो सेल्स ज्वाइन कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा, उनकी स्पीड्स भी डिफरेंट होंगी. बहुत हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस डिफ्यूज, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट HCl था, तो हम HCl में से जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है तो HCl आयंस जो हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ. सो आयनिक वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी ग्रेटर देन क्लोराइड आयंस, बिकॉज वी नो दैट कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो दैट इज लेसर देन क्लोराइड आयंस, और क्लोराइड आयंस विल बी हैवियर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयंस, दैट्स वाई हाइड्रोजन आयंस विल मूव फास्टर एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयंस. कि अब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस एक लाइटर मास आयंस हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस तेजी से मूव करेंगे क्लोराइड के आयंस की निस्बत, सो हाइड्रोजन आयंस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली फ्रॉम A1 टू A2. द डायल्यूट सॉल्यूशन इन कंपार्टमेंट 2 विल दस बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस टू कंपार्टमेंट 1. डायल्यूट सॉल्यूशन, हमने ये देखा कि A1 ग्रेटर देन A2 का क्या मतलब है, कि कंपार्टमेंट 1 में कंसंट्रेशन A1 प्रेजेंट है और कंपार्टमेंट 2 में कंसंट्रेशन A2 प्रेजेंट है, और A1 कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास आयन जो होंगे वो A1 से A2 की तरफ मूव करेंगे, उनकी स्पीड जो होगी वहां से ज्यादा होगी. द डायल्यूट सॉल्यूशंस टू कंपार्टमेंट विल दस बिकम मोर पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इन कंपार्टमेंट 1. क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की स्पीड ज्यादा है, इसलिए उनकी नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन लेफ्ट इन सॉल्यूशन 1 इज लेफ्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयंस एंड दस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. तो हमारे पास जो है कंपार्टमेंट 1, उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंपार्टमेंट 1 में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसमें कौन से आयंस थे, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस. हाइड्रोजन आयंस जो थे वो ज्यादा फास्टली मूव कर सकते थे, वो सारे चले गए कंपार्टमेंट 2 में. पीछे क्या बच गया हमारे पास, क्लोराइड आयंस दैट आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैवियर आयंस, सो दैट्स व्हाई दे विल रिमेन इन द कंपार्टमेंट 1, और इस वजह से वहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव. हेंस एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज फॉर्मड एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड एट द जंक्शन, इट इज कॉल्ड लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल. इस वजह से जहां पर दो सेल्स ज्वाइन कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होंगे वो एक डबल लेयर बना देंगे, एक लेयर होगी पॉजिटिव आयंस की और एक होगी नेगेटिव आयंस की, और इस वजह से एक जो होगा पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल. सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ आयंस. द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड्स ऑफ आयंस, और इफ टू आयंस आर मूविंग विद सेम स्पीड देयर विल बी नो लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल. द लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट इट कैन बी कैलकुलेटेड, और इसकी जो डिटर्मिनेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसकी जो हम फाइनली कंक्लूड यही कर रहे हैं कि लीक्विड जंक्शन पोटेंशियल के होने की रीजन यही है आपके पास, कि वेलोसिटी आयंस की डिफरेंट होती है. अगर दोनों आयंस सेम स्पीड पे मूव कर रहे होंगे तो लीक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, और अगर वो वेरिएट स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी लीक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसे हम इतना डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते थे, और उसके लिए एक हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो या डेरिवेशन अवेलेबल है, जिसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये सेल की डायग्राम दी गई है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा दैट विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल एंड एलिमिनेशन ऑफ लीकवर्ड जंक्शन पोटेंशियल.